नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देश के हालात आज ऐसे हैं, ना जिया जा रहा है ना मना मरा जा रहा है। मैं ये शब्द इसलिए उपयोग में ला रहा हूं कि ना आप आजादी के साथ इस देश में कहीं घूम सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप घर में भी हैं तो इतने डर के साथ रहेंगे कि कब बीमारी, जो लाइलाज बीमारी है, कोरोना वायरस के रूप में जो बीमारी है, वो आपके घर में आपके ऊपर अटैक कर दे। ना कोई घर के अंदर आ सकता है, ना आप घर के बाहर जा सकते हैं। यहाँ तक कि आप दूध सब्जी जो भी लेकर आ रहे हैं उसे पहले धोइए, सैनिटाइज कीजिए, उसके बाद आप घर में उस सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि ब्राह्मण हो या किसी भी जाति का हो, वो सैनिटाइज जरूर कर रहा है, वो भी 75% अल्कोहल वाले सैनिटाइजर के साथ। इन्हीं सारे मुद्दों के साथ सबसे बड़ी जो विकट समस्या है वो मध्य प्रदेश के साथ पूरे भारत की अगर हम लोग बात करें तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो ध्वस्त हो चुकी हैं। आज भारत के अस्पतालों के पास ना पूरे पैमाने पर ऑक्सीजन है, ना ही उनके पास बेड अवेलेबल है, और ना ही उनके पास वेंटिलेटर है, ना ही आईसीयू है। और तो और जो जीवन रक्षक दवाएं हैं जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन हो गया या कुछ एंटीबायोटिक्स जो दवाएं हैं उनकी भी कमी है। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है जब मध्य प्रदेश और भारत के बीच के ऊपर कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से चरमरा सी गई हैं। और ये देखने में आ रहा है कि जो सरकार है वो भी अब कहीं ना कहीं अपने आप में इन मामलों को लेकर फंसती नजर आ रही है, वो भी तब जब भारत के अंदर ये दूसरी लहर है, दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस की चौथी लहर है, तब जाके भारत के अंदर मेडिकल सेवाओं को लेकर हम अगर बात करें तो वो भारत के अंदर इस तरीके के हालात है, जहां भारत सरकार के साथ साथ मेडिकल के लोग भी अब अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। कल एक डॉक्टर से मेरी बात हुई तो वो डॉक्टर बड़े अच्छे से मुझसे बोला कि विनीत भाई, आपके मरीज को मैं बेड तो अवेलेबल करवा देता, मेरे पास बेड भी खाली है, लेकिन आप बताइए कि जहां मेरे पास 100 से 300 लोगों का जो बेड की व्यवस्था है, वहीं अगर हम लोग बात करें तो अब वहां पर क्या बोलते, मेरे पास सिर्फ जो है 100 ऑक्सीजन सिलेंडर की जो मेरे पास मात्रा आती है वो अब मेरे पास सिर्फ 40 से 50 ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है। मतलब मैं चाहते हुए भी लोगों को अपने पास एडमिट नहीं कर सकता हूं। इस मुद्दे पर जब सबदूर ये देखा गया, हमारी कई रिपोर्ट्स भी इस पर चली, तो ये बात सामने निकल कर आई कि सरकार के पास जो पिछले 6 से 7 महीने सरकार को मिले थे, प्रदेश सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की हम लोग बात करें, वो वहां पर उस व्यवस्थाओं को प्रॉपर बना ही नहीं पाए। सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर इन सारी चीजों को अगर हम लोग देखें तो यहां पर निकल कर ये आता है कि सरकार को कोशिशें करना चाहिए थी, सरकार को व्यवस्था करना चाहिए थी, सरकार को लोगों को अपने भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए था। और जहां तक हम जनता की बात करें, देशवासियों की बात करें, तो देशवासियों को भी अपने जो क्रियाकलाप है वो इतनी जल्दी बदलने नहीं चाहिए थे, पुराने रूटीन में नहीं आना चाहिए था, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए था। इसी विषय पर आज हमारे साथ, प्रदेश के साथ, देश के विभिन्न क्षेत्रों के बुद्धिजीवी वर्ग हमारे साथ इस बहस में शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ खुद कोरोना वॉरियर्स के रूप में डॉक्टर नसीम खान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर नसीम खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही बहुत शुक्रिया, नमस्ते, नमस्कार। साथ ही मेरे साथ है विद्याशंकर विभूति सर, जो खुद मेरे शिक्षक भी रहे हैं, प्रोफेसर हैं, जेएनयू प्रोडक्ट हैं, बिहार से आते हैं, और साथ तौर पर साथ ही साथ समाज सेवा से भी वो लगातार जुड़े हुए हैं। कई साहित्य वो लिख चुके हैं, कई किताबें वो लिख चुके हैं, और साथ ही कई बच्चे उनके जो पढ़ाए हुए हैं वो आज देश के अलग अलग उपक्रमों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश और देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार श्री सुधीर पांडे जी हमारे साथ हैं, जो अपनी पत्रकारिता का लोहा मनवा चुके हैं, और समय समय पर मध्य प्रदेश में जितनी भी सरकारें आई और गई उनके सलाहकार भी वो रहे हैं। कई मुख्यमंत्रियों को उन्होंने सलाह दी और कई बार उनके जो निर्णय है वो प्रदेश और देश के लिए सही रह रहे हैं। साथ ही इसके बाद हमारे साथ हैं अभिषेक सोनी, जो युवा वर्ग से आते हैं खास करके, और उज्जैन में अभी हैं फिलहाल वो, और कई समाज सेवा के काम वो कर रहे हैं। साथ ही जो रोजगार के अवसर है उनके द्वारा वो विभिन्न मौकों पर जो है वो उत्पन्न किए जाते हैं। साथ ही साथ अगर उनकी हम बात करें तो अभिषेक जो है वो सपाक्स से भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। साथ ही मैंने उनका कल एक व्हाट्सएप भी देखा था जिसमें वो कोरोना से लड़ने के लिए लोगों को
योग के माध्यम से उनकी जो है वो हेल्प कर रहे हैं। साथ ही मेरे साथ जो हमारी अगली मेहमान है हमारे डिबेट में वो है लता सौरांजलि, जो कि एक कवित्री हैं और कविताओं के माध्यम से जन चेतना फैलाती हैं, और जहां तक अगर उनकी बात करें तो शब्दों में तीखापन है लेकिन प्यार के साथ है और दिलों को छूने की वो बात करती हैं। तो मेरे साथ अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आज की जो बहस है उसमें कुछ ना कुछ निकल कर आए, प्रदेश और केंद्र की सरकार को कुछ ना कुछ मिले। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन डॉक्टर नसीम से है, जो कि खुद कोरोना वायरस से। डॉक्टर नसीम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हालिया हालात वाकई में क्या है? देखिए श्रीवास्तव जी, हालिया हालात तो बिल्कुल ही खराब हैं। आप इसको किसी भी कोई ऐसा संतवाना दे कि नहीं अच्छी चीजें चल रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा इसलिए हुआ कि हम पहले से प्रिपेयर नहीं थे चीजों को लेकर के। देखिए, अगर कोई आपका एग्जाम होने वाला है और आप उस दिन बैठ करके तैयारी करेंगे तो आप यकीनन एग्जाम में फेल कर जाएंगे। सही बात यह है कि जो चीज हमारे साथ होने वाली थी हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, और आज जो स्थिति बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा संवेदनशील और मामले बहुत बिगड़ रहे हैं, इसको संभालना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हम इसे संभाल लेंगे और आने वाले दिन में स्थिति बेहतर होगी। अभी मुश्किल हालात है लेकिन इन सब से हमें सबको मिल करके लड़ना होगा। जो गलतियां हो चुकी उनको नजरअंदाज करके हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। सरकार को क्या कदम उठाने थे वक्त रहते? डॉक्टर नसीम, देखिए एक बड़ी गलती हुई है, इसको माननी पड़ेगी। बात क्या थी कि देखिए हम इसी दुनिया में हैं, किसी चांद पे नहीं है। जब ये रिपोर्ट आने लगी कि यूएस में और यूके में जब दूसरी लहर आ गई है और वहां पे लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं, उस वक्त हमारी सरकार को चेत जाना चाहिए था कि हर बिल्कुल ही ये सर्टेन था कि दूसरी लहर इंडिया में आएगी। और हमसे गलती क्या हुई, हम अपने अनलॉकडाउन करने की प्रक्रिया में ये भूल गए कि हमें मास्क कितना जरूरी है। सरकार ने अनलॉकडाउन किया वो जरूरी था, सरकार ने सारे चीजों को फिर से शुरू किया वो जरूरी था, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि हमारे चेहरे से मास्क नहीं उतरना चाहिए था। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली मास्क के पालन पूरे देश में कम से कम 6 महीने के लिए करवाना ही चाहिए था, जिसमें सरकार पूरी तरह से चूक गई। और पहले से क्राइसिस मैनेजमेंट तो है, और इसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर प्लानिंग नहीं है, दवाइयां आपके पास सरप्लस में नहीं है, तो आने वाले दिनों में प्रॉब्लम होनी थी और वो प्रॉब्लम आज हमें दिखाई दे रही है। विभूति सर, मैंने आपको हमेशा देखा है कॉलेज में घूमते हुए, स्टूडेंट्स के साथ रहते हुए, बंद कमरे में शायद पहली बार मैं देख रहा हूं आपको, क्या कहेंगे पूरे हालात पर आप? कमरे में जरूर बंद हूं लेकिन मेरे विचार बड़े खुले हैं, और मैं सबसे में जो विचार हमारे पास आते हैं उसका मैं स्वागत करता हूं। बड़े खुले तौर पर कहूंगा कि भारत में जितनी भी सरकारें स्वतंत्रता के बाद आई उनके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी कम से कम प्रायोरिटी पर नहीं रहा, ये बात हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए, चाहे सरकार किसी भी की हो। स्वास्थ्य की कभी समुचित व्यवस्था इस देश में नहीं रही, लेकिन दुख तब होता है जब हम विदेशों को यहां से आया निर्यात करते हैं और फिर उसी चीज के लिए हाथ पसारते हैं दूसरों के सामने। हमने ऑक्सीजन भेजा, हमने वैक्सीन भेजा, और हम आज दूसरे देश से कह रहे हैं, बांग्लादेश से कह रहे हैं कि हमारे यहाँ रेमडेसिविर भेजें आप। वास्तविकता यह है कि सरकार यदि इतनी सक्षम है, सरकार के पास ऐसा कोई थिंक टैंक है, तो हम जैसे लोगों को जब ये पता चल जाता है कि 2015 से ये प्रक्रिया चल रही है जिसके तहत इस तरह की एक बीमारी इस देश पूरे विश्व में फैलाई जाएगी, जिसके लिए वर्ल्ड WHO से लेके वर्ल्ड बैंक और विल गेट फाउंडेशन जैसी चीजें एक जुट होकर ये चाह रही है कि यहाँ 15% पॉपुलेशन पूरी दुनिया में कम हो। वुहान के लैब को वो लोग डॉक्टर फौसी के द्वारा ऐड दे रहे हैं, तो क्या हम आंख बंद करके बैठे हैं? यह सरकार के सारे संसाधन फेल कर गए हैं? यह सरकार जो लंबे लंबे हाँकती है, रेदर फेंकती है, वो क्या ये समझ रही है कि हम जो भी कह रहे हैं उससे सब कुछ चल जाएगा? डॉक्टर नसीम ने बहुत अच्छा कहा कि कम से कम 6 महीने मास्क लगाने चाहिए, जरूरी है, 6 महीने क्यों, साल भर लगानी चाहिए, क्योंकि जो स्थिति बनी है, जिस तरह के पर्यावरण
प्रदूषण हो रहा है उसमें करीब हम मास्क लगाएं तो शायद हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा और हमें सब समय लगाना चाहिए। लेकिन एक तरफ जब आप ये कह रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क लगाएं, और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि आप आम जनता से हाथ मिला रहे हैं, रैलियां संबोधित कर रहे हैं, तो लोगों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आप किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? यदि इलेक्शन जीतना ही, जीतने के लिए सारे कुछ किए जा सकते हैं, भीड़ इकट्ठी की जा सकती है, तो जनता फिर आपसे क्यों नहीं भिड़ जाएगी, आपके विधि व्यवस्था से क्यों नहीं भिड़ेगी कि एक तरफ तो आपने खुली छूट दे रखी है और दूसरी तरफ लोगों पर आप शिकंजा कसते जा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि सारी चीजें पता थी, और मुझे कभी कभी लगता है कि जिस तरह की स्थिति तब बनी थी जब ये सरकार, खासकर भाजपा की सरकार आई मोदी जी के, और मोदी जी को बनाने में जिस तरह की राजनीति हुई थी भाजपा में, उसका एक बहुत बड़ा प्रतिफल देखने को मिल रहा है। बातें बहुत लंबी लंबी हम करते हैं, हम कहते हैं कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन स्मार्ट सिटी की जगह शमशान सिटी हो रहा है। आप ये जरूर कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन पेड़ कौन सा लगाएंगे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री रोज पेड़ लगा रहे हैं स्मार्ट रोड के बगल में, स्मार्ट सिटी के पास, लेकिन कौन सा पेड़ लगा रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये भी है ना कि एक पौधे से सिलेंडर नहीं बढ़ता जनाब, और वो भी तत्काल में। अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, युवा है, नेतृत्व है, पूरे प्रदेश में आप घूमे हैं, कहां सरकार फेल हो गई? देखिए, यहां पर मैं थोड़ा सा दोष सरकार के साथ साथ आम जनता को भी देना चाहूंगा। सरकार तो पूरी तरीके से फेल हुई हुई, मतलब जो दूरदर्शिता होनी चाहिए सरकार में, जो हमारे हम जिनको चुन करके आगे भेजते हैं, यदि उनमें दूरदर्शिता नहीं होगी तो बनी बात है कि वो अपना घर कुटुंब नहीं संभाल पाएंगे। यदि घर का मुखिया ही अदूरदर्शिता रखता हो तो कोई सेंस नहीं बचता है कि परिवार सही तरीके से चल पाए। और वहीं पर जब अदूरदर्शिता दिखी तो घर का पूरा कुटुंब था वो बिगड़ गया, वो लावारिस हो गया, एक तरह से मैं ये कहूंगा, वो इधर उधर सड़कों पे घूमने लगा। और उसका एक कारण ये भी है कि हम जैसे जो युवा हैं, जो जिनको रोजगार की आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वो घर से बाहर निकला है। गैदरिंग हुई है, सोशल गैदरिंग बहुत एक बहुत हाइपर एक्टिव तरीके से हुई है, लोगों ने मीटिंग्स की, पार्टीज की, अलग अलग जगह जाकर के। मैं चूंकि मैं यूथ से जुड़ा हुआ हूँ काफी क्लोजली, तो मैं देखता था कि कंटिन्यूसली पार्टीज हो रही है, लोग पार्टीज में, सोशल गैदरिंग्स में भी जा रहे हैं, लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग या किसी भी तरीके का कोई पालन नहीं हो पा रहा है। और वही चीजें थी जो हमारे घर में हम बीमारियां लेकर के आए, हम वो चीज भूल गए कि इसका इम्पैक्ट हम पर या हमारे परिवार पर या हमारे बड़े बुजुर्गों पर या हमारे घर के छोटे बच्चों पर क्या पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक अदूरदर्शिता सरकार की, और उसका खाम उसको भुनाने का पूरा पूरा तरीका निकाला आम जन मानस ने, और वो हमको अल्टीमेटली आज की डेट में आप देख रहे हैं कि वो हमें ले डूबने को आतुर है, वो हमें खाने को आतुर है। और एक और चीज में इसमें मेजरली जोड़ना चाहूंगा, जो अदूरदर्शिता की यदि हम बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप किसी को अपनी जिम्मेदारी की चाबी सौंपे, मैं इस परिप्रेक्ष्य बात कर रहा हूँ जब सरकार और प्रशासन दोनों आता है जहां पर, तो उनका विजन, उनका मिशन, उनकी सोच आने वाले 5-7 साल 10 साल तक की होती है। वो हर बार ये बात करते हैं कि हम आने वाले 5 साल के लिए एक पुल बना रहे हैं, हम आने वाले 5 साल में जब वो ट्रैफिक बढ़ेगा तो उसके लिए मेट्रो ट्रेन लेके आ रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, जब हम बात करते हैं शिक्षा की, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, आज की डेट में पूरे भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसे सेक्टर हैं जो पूरी तरीके से धराशायी हो गए। शिक्षा वाले जो हैं वो तो खत्म हो गए हैं, स्वास्थ्य वालों की अर्निंग जरूर हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग जो हैं, मतलब जिनको परेशानी आ रही है, जिनको बीमारियां हैं, वो जूझ रहे हैं और वो खत्म हो रहे हैं। तो दोनों ही तरीके से जो व्यवस्था है शिक्षा की और स्वास्थ्य की, वो भारत में तो इस समय ध्वस्त हो चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2-3 सालों में इसको खड़ा करना आसान होगा। सुधीर सर, आपने बहुत करीब से मध्य प्रदेश को बनते हुए देखा है, बहुत लंबी पत्रकारिता रही है आपकी, आपने कई मुख्यमंत्रियों को शपथ लेते हुए देखा, उनका कार्यकाल खत्म होते हुए देखा है, क्या वाकई में जो पिछले 3 साल में मध्य प्रदेश ने देखा, और खासतौर पर मैं कोरोना काल की अगर बात करूं तो पिछले 12-14 महीनों में जो मध्य प्रदेश ने देखा, उसमें सरकार की नाकामियां ज्यादा हैं
या प्रबंधन का सही इस्तेमाल ना होना ज्यादा है? विनीत जी, सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि प्रशासन का एक नियम है, उसे नियंत्रित करने वाले व्यक्ति कैसा है, कितना सक्षम है और किस तरह से वो कंट्रोल करता है स्थितियों को, उस पर प्रशासन का चलना निर्धारित होता है। सरकारों को मालूम था कि कोरोना कई फेज में आने वाला है, हर सरकार जानती थी कि कोरोना कई फेज में आने वाला है, वो भी मालूम था कि इसके साथ साथ क्या क्या परेशानियां आने वाली। किसी सरकार ने इस बारे में गौर करने की जरूरत नहीं समझी। घर का मुखिया होता है मुख्यमंत्री, और घर का मुखिया ही जब दूर तक न देख सके, आने वाले संकट को नहीं महसूस कर सके, तो फिर दूसरा कौन क्या कर सकता है। आम आदमी की बात कहिए तो आम आदमी तो सरकार के इंस्ट्रक्शंस को सुन के, सरकार के कितने कड़े नियम हैं उनको देख के अपने आचरण को निर्धारित करता है। स्थिति ये हो गई है कि आज जो हालात बनते जा रहे हैं, उन हालातों में नियंत्रण सरकार के हाथ से पूरी तरह जा चुका है। आज की तारीख में भी यदि मैं मानूं तो सबसे ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन की। कल मेरे एक दिल्ली के डॉक्टर मित्र कह रहे थे कि 70% मरीजों की संख्या कम हो सकती है यदि ऑक्सीजन की उपलब्धता प्रॉपर हो जाए। छोटी है, इतनी सी छोटी सी चीज ऑक्सीजन को उपलब्ध करा पाने में हम सक्षम नहीं हो पा रहे, मेडिसिन दे पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे। आज तक हम ये नहीं जान सके कि इस कोरोना बीमारी के रोकथाम के लिए हमें कौन से बुनियादी कदम उठाने हैं, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। आज की तारीख में होम क्वारंटाइन करके डॉक्टर्स दवा दे रहे हैं। जब ये दूसरा फेज शुरू हुआ था तो डॉक्टर्स को होम क्वारंटाइन करके ये दवा देना याद नहीं रहा। अस्पतालों में इतनी भीड़ क्यों लगा ली गई? नॉर्मल फ्लू हुआ और ले इसको कोरोना के नाम पर अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। अस्पतालों में इतने मरीज हो गए कि अस्पतालों में बेड की संख्या खत्म हो गई। जैसे मालूम पड़ा कि रेमडेसिविर नाम की एक दवा है, लोगों ने उसे बिल्कुल ऐसा मान लिया कि प्राणवायु यही है, लोगों ने स्टोर करना शुरू कर दिया। सरकार की जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि लोगों को इस आतंक से मुक्त दिलाती, लोगों को समझाती? पर सरकार उसमें पूरी तरह सोई हुई स्थिति में थी। केंद्र, राज्य, यह राज्य नहीं बाकी सभी राज्य भी, हम कुंभ कर रहे हैं, 45 लाख कोरोना बम वहां से निकल के जा रहे हैं, किस राज्य में गए, कितना उन्होंने फैलाया कोई नहीं जानता। एक मजलिस का प्रोग्राम हुआ था, उसमें कुछ हजार लोग शामिल थे, पूरे देश के मीडिया ने हाहाकार मचा दिया था कि मजलिस से निकले हुए इतने इतने बम आज पूरे देश में घूम रहे हैं और कोरोना फैला रहे हैं। इस कुंभ से निकली हुई 45 लाख की भीड़ का हम क्या करने वाले? मुख्य चुनाव आयुक्त को नहीं मालूम था कि देश की स्थिति क्या है, 5 राज्यों में चुनाव करवाने की जरूरत क्या थी? अभी यदि चुनाव नहीं कराए जाते तो राष्ट्रपति शासन लगा के वहां के प्रशासन को चलाया जा सकता था। प्रधानमंत्री अपनी मीटिंग में कह रहे हैं कि 4.5 लाख से ऊपर आदमी मैंने देखा नहीं किसी सभा में। प्रधानमंत्री स्वयं खुश हो रहे हैं उस भीड़ को देख के। हालात ये होते जा रहे हैं कि नेताओं का आचरण बिल्कुल अलग हो गया है और नेता अपनी जिम्मेवारियों को समझने के लिए अब तैयार नहीं है। किसी भी राज्य या किसी भी केंद्र के व्यक्ति के पास इतने बड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक भी सदस्य सक्रिय रूप से सामने आकर जनता के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा? पूरी सेंट्रल कैबिनेट बैठी है, केवल प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी तो नहीं थी को सब चीजों का जवाब देते? हर्षवर्धन आज कुछ जवाब देते हैं, कल कुछ जवाब देते हैं, उनके मंत्री, उनके सांसद कुछ कुछ जनता के बीच में अलग अलग तरह की दुर्भावना फैला रहे हैं। ये सिस्टम ठीक नहीं है, हम सरकार नहीं चला पाए, इस देश को हम दिशा नहीं दे पाए। ये सिस्टम ठीक नहीं है, हम सरकार नहीं चला पाए, देश को दिशा नहीं दे पाए, ये वाकई सत्यता है। और आज इसी का भुगतान प्रदेश सहित पूरा देश आज कर रहा है, वो भले कुंभ हो, वो भले किसान आंदोलन हो, वो भले चुनाव हो, हर जगह जो केंद्र की सरकार है वो फेल हुई है। और कहीं ना कहीं जो इस अंधी दौड़ में हम लोग शामिल हो चुके हैं कि एक राज्य का चुनाव निपटता है दूसरा राज्य का आ जाता है, दूसरा राज्य का निपटता तीसरे राज्य का आ जाता है, राज्य का निपटता है तो नगर पंचायत का आ जाता है, नगर पालिका का आ जाता है, नगर निकायों का आ जाता है, मतलब
चुनाव के अलावा इस देश में कुछ और चल रहा है या नहीं चल रहा है, आप व्यवस्थाएं बनाते, आप स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बनाते, आप और अन्य जरूरी जो व्यवस्थाएं उनको बनाते, लेकिन सरकार ने इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सबसे बड़ी बात तो ये कि भारत उन देशों में शामिल था जिसने इस कोरोना वायरस के का जो जो दवाई है उसकी खोज कर ली थी। उन टीकों को भी आपने विदेशियों को बांट दिया, दूसरे देशों को बांट दिया, और खुद के देश में उन टीकों की जो कीमत है वो अलग अलग तय कर दी। केंद्र की कीमत अलग तय, राज्य की कीमत अलग तय, और प्राइवेट सेक्टर के अलग तय। मतलब यहां भी आप इस तरीके से भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे हैं कि केंद्र सरकार जनता के लिए अलग सोचती है, प्रदेश सरकार अलग सोचती है, और प्राइवेट जो है वो अलग सोचते हैं। मतलब ये कि एक प्रबंधन होना चाहिए पूरे देश में, ऊपर से लेके नीचे तक। आप बांटिए ना कितनी दवाइयां बांट रहे हैं, आप लीजिए ना राज्य सरकार से डायरेक्ट पैसा लीजिए केंद्र सरकार अपने खाते में। आप कंपनी से डील करने का क्यों बोलते, आप डील कीजिए। किसने रोका आपको डील करने के लिए? किस प्रदेश सरकार ने आपके ऊपर उंगली उठाई कि आपको पैसा नहीं देंगे? आप डायरेक्ट कंपनी से डील करने की बात करते हैं, आप सीधे सीधे भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं, और ये सब केंद्र सरकार की मंशा को जाहिर करता है कि इस देश के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसे हृदय से सोचने वाली एक कवित्री हमारे साथ है, लता स्वरांजलि जी। लता जी, आपका दिल, आपका हृदय क्या कहता है इस पे? जी, आपने हृदय की बात की है। आज अगर कहा जाए, जिस तरह आपने प्रबंधन की बात की और सियासी लोगों की बात की, तो बात वहीं से शुरू करती हूँ। मुझे एक शेर याद आता है कि सियासत इस तरह आवाम पर एहसान करती है, सियासत इस तरह आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। वही खेल कहीं आजकल जारी है, चाहे वो वैक्सीन की बात करें, वैक्सीन की जैसे बात की ना, तो उसके तरीके सही है लगाने के, कई बार ऐसा अभी दिखाई दे रहा है। जहां हमने इतने साहित्यकारों को देश में खोया है, कुछ दिनों से आप ऐसी खबरें बहुत देख रहे होंगे, हर एक न्यूज चैनल में, ग्रामीण भारत में, सभी में हम देख रहे हैं कि उसके बाद में भी, वैक्सीनेशन होने के बाद में बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, और उसके बाद कोई भी नियंत्रण नहीं है, ना किसी के हाथ में है। तो आपने वैक्सीन किस तरह की बनाई है कि उसके बाद कोरोना पॉजिटिव है, अगर वो कहीं से कहीं तक कुछ हद तक ही मान लीजिए सुरक्षित है, तो उसके बाद तो व्यक्ति को बच जाना चाहिए। दोनों डोज लेने के बाद भी वो जा रहे हैं। अनेक साहित्यकार जैसे कि अभी जहीर कुरैशी जी, एक बड़ा नाम था गजलकार, वो चले गए। कानपुर उत्तर प्रदेश से डॉक्टर कमलेश द्विवेदी जी, व्यंग का एक बड़ा नाम था, वो हमें छोड़ करके चले गए। ऐसे बहुत सारे नाम है, राजन जी। तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमें किस दिशा में ये काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, किस किस की बात करें, दिशाहीन काम हो रहा है। और अस्पतालों में भी आप ये देखिए, आज की डेट में अस्पतालों में डॉक्टर पूरे उपलब्ध नहीं है, जितने की मरीज है उतने डॉक्टर नहीं है। मरीज चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो तड़प कहीं देखी जा नहीं रही है। मतलब हृदय इतना क्रंदन करता है कि न्यूज तक सुनना गवारा नहीं करते, ये कान ऐसा लगता है कि हो क्या रहा है मुल्क में। तो इतना करुण क्रंदन है, उनकी चीखें कोई नहीं सुन रहा है, सब सारे बिल्कुल सुप्तावस्था में है, ना हमारी सरकारें देख रही है, ना हमारी ये व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अब जैसे कि एक चीज आपने कही कि वो पेड़, एक पेड़ अभी एक ऐसे तमिलनाडु के एक आपने सुना होगा जो आयुर्वेदाचार्य है, उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा, उन्होंने अभी पर्चे पर लिखना शुरू कर दिया है कि जब आप कोरोना से ठीक हो जाएं तो एक पेड़ जीवन में अवश्य लगाएं। यदि यही संकल्प हर व्यक्ति पहले से कर लेता तो शायद आज ये परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती और हम इतना रो नहीं रहे होते ऑक्सीजन के लिए और इस प्रदूषण के लिए। प्रदूषण भी इतना हो गया है कि कोरोना वायरस नहीं, ना जाने कितने वायरस ऐसे यहाँ पर जो हमारे पर्यावरण में मौजूद हैं, और हरदम हमें लड़ लड़ के उनसे जीना होता है, जबकि हमारे कभी बुजुर्ग थे तो कहीं इतनी पीड़ाएं नहीं थी जीवन में, इतनी परेशानियां नहीं थी। आज जो हालात दिख रहे हैं, हमने देखो कितनी सारी बीमारियां घेरे हुए हैं। मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। यहाँ बात देशवासियों की ना करो चलो माना, यहाँ शहरवासियों की ना करो चलो माना, यहाँ पड़ोसी की बात ना करो चलो माना। अरे अब तो मेरे परिवार के लोग मर रहे हैं, अब तो जागो जी, कब जागोगे जी। और ये सरकार को समझना होगा
कि अब बात देशवासियों से ऊपर उठ के, शहरवासियों से ऊपर उठ के, पड़ोसियों से ऊपर उठ के परिवार तक पहुंच गई है। अरे आपने तो शादी नहीं की, चलो मानते हैं, आपको तो किसी से मोह नहीं, कोई रिश्ता नहीं आपके लिए, चलिए ये भी मानते हैं। अरे हमारे तो रिश्ते हैं, हमारे तो लोग हैं, क्यों उन्हें मार रहे हो, क्यों उनके साथ खेल रहे हो, क्यों इतनी बेबसी है अब सांस लेने के लिए भी? खिलवाड़ इसलिए हो रही है विनीत श्रीवास्तव जी, हम देख रहे हैं आज के जो हालात हैं उनको शायद कैसे जगाएं, हम लोग पत्रकार लोग, आप जैसे लोग जो ये जागरण मिशन लेकर के बैठे हैं, लेकिन हालात ये है कि जाने ये कैसा जहर दिलों में उतर गया, जाने ये कैसा जहर दिलों में उतर गया, परछाई जिंदा रह गई इंसान मर गया, परछाई जिंदा रह गई इंसान मर गया, तो उनकी कई इंसानियत मर चुकी है, उनके सारे जो भाव है वो मर चुके हैं। आप मरो या परिवार मरे या हमारा देश धीरे धीरे खत्म हो जाए, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। मैं वो देख रही हूँ तो बस पीड़ित हो रही हूँ, लेकिन बस वो हम लोग तो अपने शेरों के माध्यम से ही कह सकते हैं, जगाने का काम कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे कुंभकर्ण है जो शायद उनकी 6 महीने में नींद नहीं खुलती है, और 6 महीने क्या 1.5 साल होने को आ गए हैं। ये सियासत जो है ये इस तरह का कुंभकर्ण है जो किसी को वो भाले और हाथी और तीर तलवार ना जाने क्या क्या चलाओ, लेकिन उसके बाद भी वो कहीं पर जागने को तैयार नहीं है। और ये इसी तरह सरकार जो है वो, ये सरकार जो है वो वाकई कुंभकर्ण हो गई है, जिसको भाले तीर बाजा कुछ भी कर लो ये जागने वाली नहीं है। विभूति सर, वाकई सरकार कुंभकर्ण हो गई है? सरकार कुंभकर्ण हो गई है और उसके पीछे कारण है। हम इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे प्रख्यात पत्रकार महोदय कह रहे थे। सर ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये समय ऐसा है, जब से सरकार आई है खासकर केंद्र में, ये कंसेंट्रेशन ऑफ फंक्शन है, कंसेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं है। यदि कंसेंट्रेशन ऑफ पावर होता तो सारी चीजें हो जाती, लेकिन ये कंसेंट्रेशन ऑफ फंक्शन है। इसलिए यदि 420 ऑक्सीजन प्रोडक्शन फैक्ट्री बनाने की बात होती है और 9 दिल्ली में लगने होते हैं, तो पता चलता है किसी ऐसे महानुभाव को उनका टेंडर दिया जाता है जो एक भी नहीं बनाते हैं और टेंडर छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि सारी फाइल एक जगह जाती है, एक ही व्यक्ति अपने हाथ में सब कुछ कर रखा है। इसलिए सारी परिस्थितियां यहाँ पर, कोई कहीं भी लोकतांत्रिकरण प्रशासन में नहीं है ऊपर से नीचे तक, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में तो एकदम नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लोग जुमलों की बात कहते हैं, मैं जुमलों की बात तो नहीं कहूंगा, कहें क्योंकि लोग कहते हैं कि ठीक है परिवार नहीं है, लेकिन मैं किसी प्रदेश का बेटा हूँ, मुझे गंगा नाम गंगा माँ ने बुलाया है, इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते, उनका दिल तो बहुत बड़ा है। अब वो होता क्या है ये तो सामने दिख रहा है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता पढ़े लिखे लोगों को कि ये, और ये बूस्टर है, इसको वैक्सीनेशन क्यों कहते हैं? ये नाम ही गलत दिया गया है, वैक्सीन है नहीं, ये बूस्टर है, तो इसको बूस्टर के नाम से बेचा जाना चाहिए था, इसको वैक्सीन के नाम से क्यों बेचा जा रहा है, लोगों को मूर्ख क्यों बनाया जा रहा है? जबकि मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि दुनिया को खत्म करना है, वैक्सीन के जरिए पैसा कमाना है, तो बूस्टर को आप वैक्सीन बता रहे हैं? हमारे यहाँ आयुर्वेद और होम्योपैथ की बहुत अच्छी परंपरा है, और आज भी है आयुर्वेद में होम्योपैथी दवाइयां हैं जो कि कोरोना को हटा सकती है। मैं माफी चाहूंगा सर, समय की उपलब्धता को देखते हुए वो छोटे छोटे से जवाब आप सभी लोगों से चाहूंगा। सुधीर सर, क्या वाकई सरकार ने बेवकूफ बनाया है जनता को और आप भाग रही है? सरकार खुद ही नहीं समझ पाई। सरकार जब चलती है तो उसका एक सूचना तंत्र होता है, वो सूचना तंत्र में कई तरह के विषय विषय के विशेषज्ञ होते हैं जो आने वाले समय की किसी भी बड़ी घटना के प्रति सरकार को सचेत करते हैं। ये जो विभूति सर ने कहा ये बिल्कुल सही कहा, पूरी पावर सेंट्रलाइज हो गई है, एक व्यक्ति शहंशाह बन के इस देश को चलाना चाहता है, न केंद्र में मंत्रिमंडल है, न राज्यों में मुख्यमंत्री का अस्तित्व है, सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं जितनी भी हैं, चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, सब रेंग रही हैं, धीरे धीरे चल नहीं रही हैं, किसी को अपने दायित्व का आभास ही नहीं है। क्या इतनी कठिन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करना था? राष्ट्रपति जी कहाँ हैं, और हैं यदि इस देश में राष्ट्रपति जी तो उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग क्यों नहीं किया? कौन सी ऐसी स्थितियां थी कि चुनाव आयोग को सब कुछ जानते हुए वेस्ट बंगाल में 8 चरण के चुनाव घोषित करने पड़े, जबकि वो चुनाव 4 चरण में भी निपटाए जा सकते थे?
उसके बाद भी चलो कोरोना बढ़ गया, आखिरी तीन चरण बचे थे एक साथ करवा लो, वो करवाने को चुनाव आयोग तैयार नहीं है। राजनीतिक मंशा स्पष्ट होती है, राजनीतिक जो चेतना है वो शून्य हो चुकी है और उस कारण ये सारे संकट खड़े हो रहे हैं। अभिषेक मैं बहुत कम समय दे रहा हूँ आपको, मुझे जल्दी से बताइए अब युवा जनता के साथ कि क्या करना चाहिए सरकार को। देखिए मेरा तो बहुत स्पष्ट मत, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट पॉलिसीज मेकिंग को लेकर के मेरे साथ काफी सारे लोग रहे हैं। आपको जितने भी पुराने रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, पुराने रिटायर्ड आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनको तत्काल प्रभाव से अपने साथ जोड़ करके एक डिजास्टर पॉलिसी मेकिंग पे तुरंत काम कर देना, शुरू कर देना चाहिए। किस तरीके से कौन कौन से हमारे वीक पॉइंट्स है उनको आइडेंटिफाई करके उनको क्लोज स्टेप बाय स्टेप। हम क्या कर रहे हैं अभी, हबड़ तबड़ कर रहे हैं। एक नेताजी अपने क्षेत्र में अपना पॉइंट्स बनाने के लिए वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, दूसरे अपने हिसाब से। मध्य प्रदेश की बात करो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जी अकेले काम कर रहे हैं, बाकी पूरा उनका मंत्रिमंडल और पूरे जो उनके विधायक हैं वो कहीं ना कहीं कोप भजन में जा चुके हैं, कहीं गुफाओं में छुप के बैठ चुके हैं। तो हमको अब वो पुराने जो अनुभव हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। कोरोना का डर है, इलाज थोड़ी करवाना था, रास्ता नहीं निकालना था। मध्य प्रदेश सरकार के सारे मंत्री कोरोना के मारे छुप गए, पहले तो मास्क नहीं पहनते थे, अब छुप गए। ये डर है कोरोना का मध्य प्रदेश के मंत्रियों के बीच। मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में लगभग 50-60% लोगों को कोरोना हो चुका है, तो उनको तो डर नहीं होना चाहिए। अरे और उनको आगे आके फ्रंटल, अरे भैया जांच अधिकारी ने बोल दिया ये तीसरा म्यूटेंट है, तीसरी बार क्या बोलते वायरस ने अपना रूप बदला है, तो उनको डर लग गया। भैया पहली बार बच गए, तीसरी बार नहीं बचेंगे, जनता देख लेगी अपना, 5 साल मिले और फिर जनता जिता देगी, भरोसा है भैया, क्या करेंगे। छीनी हुई सरकार है, जब छीनी हुई सरकार में मंत्री बन के राज कर सकते हैं तो एक बार और सही। अभिषेक ठीक है, मैं समय की उपलब्धता के चक्कर में आपसे ज्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ, अगली बार मौका मिला तो जरूर बात करूंगा। चलते चलते डॉक्टर नसीम मुझे बताइए अब बचाव का क्या तरीका। देखिए मैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन मैं जनता से खास अपील करना चाहूंगा कि हो क्या रहा है। मेरे तरह हमेशा सुबह से शाम तक फोन आते हैं, किसी को ये हो गया है, किसी को खांसी हो रही है, किसी को बुखार आ रहा है। हमारी जनता से ये अपील है कि इसका एक ही तरीका है, अगर आप इससे बचना चाहते हैं, अर्ली डिटेक्शन अर्ली ट्रीटमेंट, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि हमें जब आप डॉक्टर को अप्रोच करेंगे, जब हमारी खांसी 6 दिन हो जाएगी, उसके बाद बहुत मुश्किल होती है हम लोगों को काम करने में। मैं ये अपील करना चाहूंगा, जब थोड़ी सी भी अगर आप में साइन सिम्टम दिख रहे हैं तो आपको घर पे बिना वेट किए हुए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और वो सारी दवाइयां जब तक चलनी है तब तक आपको उसको फॉलो करना है। बहुत से मरीजों को देख रहा हूं कि वो 2-3 दिन दवा ले रहे हैं उसके बाद छोड़ दे रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि स्थिति बिगड़ जा रही है और फिर चीजों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर आज हम देखें सारे हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट एडमिट हैं जिनके लिए बहुत मुश्किल, तो सबसे पहले है कि आप जल्द से जल्द टेस्ट कराएं और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं, जो कोरोना का बिल्कुल प्रॉपर ट्रीटमेंट है जिसमें एंटीबायोटिक्स और कई विटामिन सी वगैरह चलते हैं साथ में। अगर आप इसको नहीं ध्यान नहीं देंगे, हमारे घर में भी है, हमारे दोस्तों में भी आज ही, तो इस चीज को आप फॉलो करें। ऑक्सीजन तो बात की चीज है, अगर आप इस चीज को आप फॉलो करें, जल्द से जल्द जो है वो जैसे ही आपको डिटेक्ट होता है सबसे पहले आप डॉक्टर के पास पहुंचे, उनकी सलाह लें। आप सभी लोगों ने हमसे बात की और इस विषय पर प्रकाश डाला, कुल मिला के पूरी बात निकल कर ही आई कि जब समय था तब सरकार ने अपनी ओर से कदम नहीं उठाया, जब समय था तब जनता ने अपने ओर से इस चीज से दूरियां नहीं बनाई, मास्क उतार फेंका, लोगों की भीड़ इकट्ठी की, और आज उसका नतीजा ये है कि अब ये कोरोना वायरस हमारे घर तक घुस गया है, हमारे रिश्तेदारों को। देखिए विनीत जी, एक मैं आपको उदाहरण देता जाऊंगा, हमारी स्थिति क्या हो गई, हमारी स्थिति ये हो गई कि जो हमने सुना था कि खचुआ खरगोश के चाल में खरगोश सो जाता है, तो हम सब सो गए, फिनिश लाइन आने से पहले ही हम सब सो गए, तब हमें आज स्थिति ये देखने को मिल रही है। अगर हम आज उस फिनिश लाइन पे पहुंच जाते उसके बाद सोते तो आज ये स्थिति नहीं होती, चाहे सरकार हो चाहे हम हो, हमने मौका खो दिया है। बात वही है कि जब प्यास लगी तब कुआ खोदा और अब कुछ नहीं हो सकता, प्रत्येक जिले है। सबसे बड़ी बात ये कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के छोटे छोटे सिलेंडर, आप सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, कल मेरी एक मध्य प्रदेश के सांसद से बात हुई,
कुछ सांसद ने मेरे सामने ये बोला कि भाई ऑक्सीजन की व्यवस्था चलो हम कहीं से करते हैं, इधर उधर से करते हैं, लेकिन भरवाए काय में सिलेंडर ही नहीं है, ऑक्सीजन छोड़िए सिलेंडर ही नहीं है, तो भरवाए काय में। अगर हम फैक्ट्रियों से बात करें, उद्योगों से बात करें कि भैया ऑक्सीजन भर दो, तो वो सीधे हमसे बोल रहे कि भैया भरे काय में, ये तो बता दो। तो ये सरकार की व्यवस्था है, यहां ना रेमडेसिविर इंजेक्शन है, जिससे WHO पहले बोलता है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो आपके जो वायरस है उसमें असर करेगा, फिर बाद में बोलता है कि इसका कोई व्यापक पैमाना नहीं है, इसका कोई असर का वो सबूत नहीं है, कोरोना वायरस में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपयोग में नहीं लाएंगे। लेकिन तब तक भारत के अंदर ये भेड़ चाल चल चुकी थी और भारत के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन की आज कीमत तकरीबन ब्लैक में अगर हम बात करें तो 40,000 से 50,000 रुपए एक इंजेक्शन की कीमत जा रही है, और उसमें भी भरोसा नहीं है साहब, ग्लूकोज भी भर के दे सकते हैं आपको, और कोई डॉक्टर क्या बिल्कुल गारंटी के साथ बोल देगा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लगने के बाद उस कोरोना वायरस के मरीज की जान बच जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं गारंटी दे सकता, तो मौतें देख रहे हैं हम लोग, कोई गारंटी नहीं। तो फिर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और खुद मुखिया इसको क्यों बोल रहा है कि ये जीवन रक्षक इंजेक्शन है, हमने जीवन रक्षक इंजेक्शन मंगवा लिए हैं, वो भी हेलीकॉप्टर भेज के, क्यों भ्रांति फैलाई जा रही है जब आप बचा नहीं सकते तो? और ये मैं इसलिए ठोक के बोल सकता हूं कि मुझे कोरोना हुआ था, मुझे स्टार्टिंग में रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा था, उसके बावजूद मेरा कोरोना बिगड़ा, 11वें दिन मुझे ऑक्सीजन शुरू हुई, जो कि मुझे रेमडेसिविर इंजेक्शन तीसरे और चौथे दिन लगा था, ये किसी और की नहीं, मैं खुद की बात करता हूं, तो मैं खुद उस चीज से निपट के आया हूं, मैं खुद उस चीज को भुगत के आया हूं। कहां लगे हो जनाब? श्रीवास्तव जी, ऐसा है कि देश का मुखिया ही भ्रम में जी रहा है, ये भ्रम है, रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो जीवन रक्षक है, ये आप भी मान रहे हो और आपने खुद उसको झेला है, उस पीड़ा को सहा है और उसको भुगत के आए हैं, उससे निकल के आए हैं। आज भी कितने सारे लोग जो कि ब्लैक में इंजेक्शन खरीद खरीद के जा रहे हैं, अपने परिजनों को लगवा रहे हैं, एक एक इंजेक्शन 15,000 से 50,000 तक बिक रहा है और उसके बाद भी वो बचा नहीं पा रहे, तो कितनी पीड़ा होती है। और जब और उसके बाद में कई डॉक्टर अब बता रहे हैं कि इस इंजेक्शन को कोई उससे लेना देना नहीं है कि वो आपकी जिंदगी बचा सके, तो कोई समझ में नहीं आता कि आखिर है क्या देश में, चल क्या। इस पूरे मामले में सिर्फ एक ही समाधान है कि सबसे पहले तो आप सारे कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए, आप मास्क पहनिए, आप सैनिटाइजेशन कीजिए, आप बार बार हाथ धोइए, और अगर खुदा ना खास्ता ये जानलेवा वायरस अगर आपको चिपक जाता है तो यकीन मानिए कि जैसे ही आपके अंदर कोई भी लक्षण आता है, एक भी लक्षण आता है, आप सीधे डॉक्टर के पास दौड़िए और डॉक्टर की सलाह पर काम कीजिए, उसके द्वारा दी गई दवाइयों को आप रेगुलर लीजिए, आप ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन नापिए, आप ब्लड प्रेशर नापिए, आप पल्स रेट नापिए, आप सीटी स्कैन करवाइए, और अगर ऐसा कोई सा भी सिम्टम्स आपको आता है कि अब आप घर पे उसको नहीं संभाल सकते, आप सीधे अस्पताल जाइए, उसके पहले आप डॉक्टर की सलाह पर अपने घर पर ही इलाज करवाइए, यही एक रास्ता है। सरकार के भरोसे मत रहिए, सरकार आपको बीच अधर में छोड़ देगी, ये सत्यता है। आप सभी लोगों ने हमारे साथ इस डिबेट में भाग लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी भावनाएं देश की भावनाएं बने, देश के लोग जो है वो स्वस्थ हों और ये कोरोना वायरस हमारी जिंदगी से फिर से चला जाए, और अब सरकार इस बार की जो कोरोना विपदा आई है उसको ध्यान में रखते हुए चुनाव से हाथ जोड़ ले, मेले की परमिशन ना दे, पेड़ पहले ही लगा ले, ऑक्सीजन सिलेंडर की पहले व्यवस्था कर ले, अस्पतालों में ऑक्सीजन की जो प्लांट है वो पहले ही लगा ले, डॉक्टरों की भर्ती कर ले, उनको क्या बोलते हैं उचित जो उनका मापदंड है उसके अनुसार उनको सैलरी दे दे, ताकि वो यहां से भागे ना। और सबसे बड़ी बात यह कि हम जैसे प्रदेशवासियों के बीच में कोरोना की गाइडलाइन को लेकर लगातार सरकार के द्वारा अपडेट किया जाए, क्योंकि अब ये पोल हम लोगों के सामने खुल चुकी है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो ध्वस्त हो चुकी है। नमस्कार आप सभी लोगों का। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।